नमस्कार दोस्तों, ये ग्रेजुएटी क्या है, किस तरह से काम करता है और ग्रेजुएटी का हम लाभ कैसे ले सकते हैं, कौन लोग हकदार बनते हैं, यहाँ मैं आप लोग बता दूं, अगर आप लोग किसी प्राइवेट संस्था या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ पे आप लोग ग्रेजुएटी का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग कुछ बोनसेस वगैरह दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा, अगर आप लोग कंपनी के द्वारा निर्धारित समय सीमा तक काम करते हैं तो। चलिए दोस्तों इसके बारे में पूरी डिटेल में जानते हैं। इस वीडियो का मेन टॉपिक ग्रेजुएटी है, लेकिन मैं इस वीडियो का टॉपिक इसलिए लिया दोस्तों क्योंकि ये चुनावी माहौल है और हम सभी जानते हैं दोस्तों, सारे नेता चाहे वो कोई भी नेता हो, अपने वोटिंग मशीन को इंक्रीज करने के लिए, अपने वोटिंग को इंक्रीज करने के लिए कुछ ना कुछ करता है। तो इस सेक्टर में भी काफी ज्यादा वोट मशीन है दोस्तों उन लोगों के लिए, तो ये वोट मशीन किस तरह से उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेन टॉपिक ग्रेजुएटी है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेंगे। आप देख रहे हैं दोस्तों द इंडियन फ्यूचर चैनल और मैं हूं रवि, आप सभी का फिर से हमारे और आपके द इंडियन फ्यूचर चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ग्रेजुएटी क्या है और ये किस तरह से काम करता है। सब्सक्राइब कीजिए द इंडियन फ्यूचर चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए इसी तरह की लेटेस्ट और कमाल की वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए। तो दोस्तों अगर हम लोग ग्रेजुएटी को समझे तो सबसे पहले तो आप लोग इनिशियल स्टेजेस की समझिए। 1972 में इस एक्ट को लागू किया था, यानी ग्रेजुएटी एक्ट को लागू किया गया था। 1972 से पहले इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं था। तो दोस्तों 1972 के बाद यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया किसी भी प्राइवेट कंपनीज के लिए, किसी भी प्राइवेट संस्था के लिए, कि अगर आप लोगों के साथ कोई भी कर्मी 5 साल तक काम करता है तो वहां पे आप लोगों को उसको ग्रेजुएटी का लाभ देना है। अगर आप लोग नहीं देंगे तो जो भी इनका रूल्स एंड रेगुलेशन है वहां पे कंपनी को भुगतना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग किसी कंपनी के लिए 5 साल तक काम करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एक पैसे के रूप में या फिर आप लोग कह सकते हैं एक उपहार के रूप में कंपनी के द्वारा आप लोगों की जब भी रिटायरमेंट होती है तो उसमें ये 5-5 साल की ग्रेजुएटी जोड़ करके आप लोगों को दे दी जाती है उपहार के रूप में, या फिर आप लोग कह सकते हैं कंपनी के कंट्रीब्यूशन के रूप में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग किसी कंपनी में 5 साल से कम का काम कर रहे हैं, 4 साल काम किए, 4.5 साल काम किए, 3 साल, 2 साल, 1 साल, इस तरह से काम करते हैं तो आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएटी का लाभ नहीं ले पाएंगे क्योंकि इस एक्ट के मुताबिक आप लोगों को मिनिमम 5 साल काम करना ही उस कंपनी पे। वहीं पर अगर आप लोग 6 साल में काम करते हैं तो आप लोगों को 5 साल का ग्रेजुएटी मिलेगा उस कंपनी के द्वारा। तो मेरे ख्याल से आप लोग ग्रेजुएटी समझ गए होंगे ग्रेजुएटी किस तरह किन लोगों को मिलता है और किन लोगों को नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ग्रेजुएटी का ये मुद्दा क्यों चुनावी समय में उठता है। तो यहाँ मैं आप लोग को एक बात समझाना चाहूंगा, एक आंकड़े दिखाना चाहूंगा मैं आप लोगों को 2011-12 में इसके आंकड़े, जो लोग ग्रेजुएटी के अंतर्गत आते हैं लगभग 1,40,00,000 थे, यानी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग। यहाँ पे दोस्तों अब तो ये 2 गुना 2.5 गुना हो गया 2018-19 के हिसाब से देखा जाए तो। तो यहाँ पे दोस्तों वोटिंग मशीन को कलेक्ट करने के लिए इस ग्रेजुएटी लाभ का जो 5 साल का आप लोगों का है ये, इसे घटा करके 3 साल किया जा सकता है। ऐसा दोस्तों कई सारी जगहों से खबरें आ रही हैं, तो हो सकता है आप लोगों को चुनाव से पहले इसमें कोई अपडेट्स देखने को मिले। साथ में अगर संविदा लोगों की बात करें, जो संविदा कर्मी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो होते हैं किसी कंपनी में काम करते हैं तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल का काम होता है, तो उनके लिए भी यहाँ पे कुछ किया जा सकता है कंपनीज में, उनके लिए भी यहाँ पे आप लोगों का ग्रेजुएटी का लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपडेट्स आएगी अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पे आप लोगों को प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी फायदा पहुँचाने का मौका मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों 5 साल से 3 साल की ग्रेजुएटी हो जाए तो यहाँ पे कई लोगों को लाभ मिलने वाला है। हाँ, थोड़ी बहुत जो कंपनीज हैं उन पर चपत पड़ेगी, लेकिन उसको भी वो मैनेज कर लेंगे आप लोगों से काम लेकर के। बाकी दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे ग्रेजुएटी क्या है, जो कि मेन टॉपिक था इस वीडियो का। अगर आप लोग ग्रेजुएटी से लेकर के कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स करके पूछ लीजिएगा। अगर आप लोगों की इस वीडियो ने हेल्प करी हो किसी भी तरह से तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और साथ में दोस्तों दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी बताइए ग्रेजुएटी क्या है और ये किस तरह से आप लोग का लाभ पहुँचाती है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, और चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को हमेशा आती रहेंगी। हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।